हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कप गेहूं का आटे से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता, जिसके सामने कचौरी समोसे सारे फीके लगने लगेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना चालू करते हैं। इस यूनिक नाश्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मेजरमेंट का हिसाब से गेहूं का आटा 100 ग्राम लगभग लेंगे यहाँ पे, और इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी तैयार करने वाले हैं। और इसके अंदर में हम 2 बड़ा चम्मच मैदा भी इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा नाश्ता हल्का सा क्रिस्पीपन आएगा, इसलिए अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इसके अंदर में जाएगा 1 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगा कलौंजी, और यहाँ पे हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल यहाँ पे, और मिलाएंगे हम स्वाद का हिसाब से नमक। तो इससे अच्छे से हाथ से मसलते हुए इस आटे को अच्छे से हम डो तैयार करेंगे। इस तरह से डो बनाने से पहले ऑयल को अच्छे से आटे में मिक्सअप करें हाथ से मसलते हुए। इसके अंदर में इतने अच्छे से मसले कि हमारा आटे का डो बहुत ही अच्छा तैयार हो और हमारा जो यूनिक नाश्ता क्रिस्पी बनके तैयार हो। इस तरह से मसलते हुए हमने आटे को तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर में पानी मिलाते हुए, अब आटे के अंदर में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम एक डो तैयार करेंगे। एक ही साथ पानी को मिलाना नहीं है, क्योंकि हमारा डो गीला हो जाएगा। तो हमें गीला नहीं, बिल्कुल टाइट, एकदम टाइट हमें डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम एक टाइट डो ऐसे तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल टाइट बनाएंगे इसको। तो डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम सेट होने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक हम गैस जलाते हुए पैन को बिठाएंगे और हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर में 1 चम्मच हम रिफाइन ऑयल मिलाएंगे। इसके अंदर में 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटकने लगा तो फिलिंग के लिए हमने मनपसंद का वेजिटेबल लेना है, आपका अपना मनपसंद का आप वेजिटेबल ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिया है गार्लिक पीसेस, यहाँ पे चिल्ली पीसेस, ऑनियन पीसेस और शिमला मिर्च का पीसेस, और साथ ही साथ 2 चुटकी हींग। तो अच्छा से इनको हल्का सा भुनेंगे और पूरा कुक नहीं करेंगे, इस सारा वेजिटेबल को क्रंची होने तक की हमें इसे कुक करना है। जैसे इसके क्रंचीपन रहे, आप इसके अंदर में मिला देंगे 4 मीडियम साइज़ बॉयल पोटैटो जो हमने मैश करके लिया था। अब साथ ही साथ इसके अंदर में मिलाएंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, इससे हमारा जो फिलिंग के अंदर एक बाइंडिंग बने रहेगा, इसलिए अदरवाइज इसके अंदर में आप कॉर्न फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है, चिल्ली पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, और यहाँ पे आमचूर पाउडर 1 टीस्पून बराबर, तीनों इक्वल क्वांटिटी में हमने लिया है। तो सारा चीज़ों को मिलाने के बाद में अच्छे से भुनाई करेंगे इसको कम से कम 1 से 2 मिनट लगातार, ताकि बेसन का कच्चापन भी जाए और बाकी का चीज़ भी अच्छा से कुक हो जाए। अब लास्ट में हम इसके ऊपर में गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया, इससे काफ़ी फ्लेवर अच्छा आता है हमारा फिलिंग के अंदर में। अब और कुछ सेकेंड हम इसको भुनने के बाद में गैस को ऑफ कर देंगे और हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा डो अच्छा से सेट हो चुका है। अब इसको हम रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो इस 100 ग्राम आटे का क्वांटिटी को हमने लिया था, इसको सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इक्वल क्वांटिटी में। तो 2 डो हमने इसको बना लिया है, इसका सिर्फ हमें 2 रोटी तैयार करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से राउंड शेप करते हुए इसका लोइया तैयार करेंगे और हम रोटी बेलना चालू करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों लोइया को तैयार कर लिया है। अब आटे को डट करेंगे और इसके ऊपर में रखते हुए हम रोटी बेलना चालू करेंगे। रोटी जब आप बनाओगे ना, तो रोटी जितना हो सके उतना बड़ा तैयार करना है हमें। तो हमने यहाँ पे 6-7 इंच बड़ा हमने रोटी तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है, मीडियम थिकनेस है इसका, तो ये देख सकते हो। तो दोनों रोटी को हमने इक्वल साइज़ में तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर में हम रोटी के ऊपर में हम फिलिंग को ऐड करते हुए इस तरह से स्पून का हेल्प से
मिलाएंगे। स्पून से नहीं होगा तो भी आप हाथों से इस तरह से फीलिंग को लेबल करते हुए सारा राउंड में इसको मिलाए इस तरह से। तो बराबर हमने फीलिंग को मिला लिया है रोटी के ऊपर में। आप इसके ऊपर में दूसरा रोटी को ऊपर से मिला देंगे और साइड इसका कॉर्नर हम इस तरह से फिंगर का हेल्प से दबाना चालू करेंगे ताकि जो आलू का फीलिंग है हमारा बाहर निकले ना। इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए फिंगर से मिला देना है और हल्का सा आटे का डट करते हुए फिर से इसको हमें प्रेस करते हुए रोटी को बेलना है ताकि जो फीलिंग है अंदर का बराबर एक लेवल में रोटी के अंदर में रहे। और जब हम इसका पीस तैयार करेंगे तो फीलिंग बाहर ना हो इसलिए तो रोटी का दोनों हिस्सों में हम घुमाते हुए इस तरह से बेलन से रोटी दोबारा से राउंड बड़ा करेंगे इस तरह से। तो ये मोटा भी होगा तो एक लेवल का हो जाएगा। रोटी का लेवल हमने बराबर कर दिया है तो अब चाकू का हेल्प से इस तरह से कट लगाना चालू करेंगे। एक ही साइज़ का लेबल में हमें इसे कट लगाना है तो इस तरह से। अब दूसरा ओर से हम इसका पीसेस निकालेंगे, साइड का जो एक्स्ट्रा होगा उसे हटा देना है। तो स्क्वायर टाइप में हमें इसे पीसेस को निकाल लेना है कुछ इस तरह से। बराबर बराबर साइज़ इसका होना चाहिए इस तरह से। जो साइड का एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हमें हटा देना है। इसका साइज़ इस तरह का हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम डिज़ाइन देना तैयार करेंगे। ये प्यारा सा पीसेस तैयार हो चुका है आलू का फिलिंग वाला। अब इसको हम प्यारा सा एक डिज़ाइन देंगे इस तरह से। इस कोनर से उस कोनर को मिलाना है और पीछे का जो भी दोनों कोनर को भी मिला देना है। इस तरह से एक प्यारा सा इसका लुक डिज़ाइन आ चुका है। अब दूसरा पीसेस को भी लेना है, इसी तरह दोनों कोनर को मिला देना है और पीछे से फिर दोनों कोनर को हमें इस तरह से पकड़ते प्रेस कर लेना है। प्यारा सा हमारा नाश्ता डिजाइनर वाला तैयार हो चुका है। सारा नाश्ता को इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है एक ही डिज़ाइन में। तो अब इसको हम फ्राई करने का और लगेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो गरम ऑयल के अंदर में सारा नाश्ता को वन बाय वन ऐड करते हुए इस तरह से फ्राई कर लेंगे, उलटते पुलटते सेक लेंगे इसको। ये नाश्ता हेल्दी तो बहुत ही है लेकिन खाने में टेस्ट भी उतना ही अच्छा क्योंकि इसके अंदर के जो फीलिंग हमने तैयार किया था वो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। इसलिए तो इस नाश्ते का सामने आप समोसा और कचौरी आपको फीकी लगने लगेगी तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बारिश का मौसम में आप इस नाश्ते का आनंद उठाएँ। तो सारा नाश्ता को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है तो गर्मा गर्म अब इसे टमाटो केचप या कोई भी चटनी का साथ सर्व करें। तो होप कि आपने इस आज यूनिक सा नाश्ता को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा लाइक करना है और कमेंट करना है। और पहले बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन में जाके बेल को प्रेस ज़रूर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इतना देर साथ देने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।